स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। जबलपुर अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए की तरफ से भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने हेतु दिल्ली में मानद उपाधि से सम्मानित मीनाक्षी शर्मा तारिका ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हमारा शोध कार्य विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एवं साइकोलॉजिकल पर था, जिसके माध्यम से विभिन्न छोटी बीमारियों का इलाज घर पर संभव कर सके। लोगों को छोटी छोटी बीमारियों से परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिससे लोगों में मानसिक तनाव की कमी आएगी। इस कार्यक्रम में भारत पे के डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर, फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोहरा और अमेरिकी वैज्ञानिक टॉम वॉल्ट मुख्य अतिथि रहे। 2019 में ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार से भौतिकी के क्षेत्र में अविस्मरणीय शोध के लिए डॉक्टोरेट और यंगेस्ट साइंटिस्ट की उपाधि दी गई थी। मीनाक्षी शर्मा के नगर आगमन पर हमारी टीम को जानकारी देते हुए बताया कि उपलब्धि संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। किसी क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने हेतु मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जिससे आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इसी प्रकार विगत कई वर्षों में से भौतिकी क्षेत्रों में काम कर रहे रिसर्च कर रही थी, जिस पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए की तरफ से मेरे भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य की सराहना करते हुए मुझे दिल्ली में मानद उपाधि से नवाजा गया। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम भी डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा है। हम यहाँ जबलपुर से बिलोंग करते हैं। 2019 में हमारा एक शोध कार्य था जो कि क्वांटम फिजिक्स पर आधारित था, जिसको कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से काफ़ी सराहा गया था। और इसमें इसको हम वहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किए थे, जिसके लिए हमको ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया था, अवार्ड दिया गया था और उस पर लगातार काम हो रहा था। उसी शोध कार्य को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज कल की डेट में दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि भारत सरकार की तरफ से एक संस्था वहाँ काम करती है, मतलब सेंट मैरीलैंड यूनिवर्सिटी जो यूएसए से संबंधित है, उनकी तरफ से हमको एक बार फिर से मानद उपाधि प्रदान की गई है, जिसके लिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और माता सरस्वती से हर बार यही आग्रह है कि इसी तरीके से आशीर्वाद दें, जो हमारा शोध कार्य है उससे हम न केवल अपने हिंदुस्तान को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपना समाज है उसको लाभान्वित कर सके। दरअसल हमारा जो शोध कार्य था वो इस टॉपिक पे था कि क्वांटम फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, इन तीनों के मिलान से बायोलॉजिकली हम लोग उसको किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, हाउ कैन वी ट्रीट एनी वन, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं उसके लिए हम लोग को किसी को मेडिसिन नहीं लेनी पड़े, उस फील्ड को जो हम लोग जनरली अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं, जो आम जनता उस चीज़ का फायदा उठा सकती है, इस टॉपिक पे आधारित हमारा शो था, जिसके लिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि अमेरिकी सरकार और वहाँ की संस्था ये यूनिवर्सिटी के थ्रू हमको ये मानद उपाधि प्रदान की गई है। और हम यही कोशिश करेंगे कि आगे भी लगातार ऐसे ही और अच्छे काम जो भी माता सरस्वती हमारे हाथों से कराना चाहें हम लगातार करेंगे यहाँ पर, और समाज को किसी ना किसी तरीके से एक अच्छे तरीके से लाभान्वित कर सकेंगे। इस तरह ये जो रिसर्च है, दरअसल हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। ऑरा जो है कुछ और नहीं, दरअसल वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो हमारे शरीर से एमिट करती हैं, उत्सर्जित होती रहती हैं। अगर उन चुंबकीय तरंगों का हम लोग अगर विश्लेषण करें तो एक गोलाकार आकृति जैसा बनता है। किसी भी वजह से अगर उन तरंगों या उनकी आवृत्ति में फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ता है, तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है, हमारी मानसिक दशा पे पड़ता है। तो अगर किसी भी वजह से अगर हम लो फील कर रहे हैं या हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो हम लोग इस शोध कार्य में ये था कि क्वांटम फील्ड जनरेट करके कुछ एक खास फ्रीक्वेंसी पे अगर उस व्यक्ति को बिठाया जाए तो उसके भीतर उसके चारों तरफ का जो ऑरा होता है जो वो ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो एनर्जेटिक फील करता है और अपने अंदर काफी बदलाव महसूस करता है, जिसका असर ना कि शारीरिक रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी उसकी मानसिक दशा पे पड़ता है। तो इस तरीके से क्वांटम फील्ड का इस्तेमाल करके, क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग साइकोलॉजिकली और एंथ्रोपोलॉजिकली और बायोलॉजिकली हम लोग उसका इफेक्ट देख सकते हैं और रियलिटी है इसी पे बेस्ड होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी भी तरीके का तनाव होता है या हल्की फुल्की जो मैंने आपसे बताया कि तबीयत सर में दर्द है या जो काफी पुराने मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं वो लोग, वो सब चीजें हील हो सकती हैं। हमारा नाम डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा तारिका है।
और हमें बेहद खुशी है कि इस अवार्ड के लिए हमें चुना गया और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम अपने इसका श्रेय हम अपने माता पिता और अपने संस्कारधारी सभी लोगों को देते हैं कि उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की ताकत से हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और समाज को लाभान्वित करने का हर अवसर हम नहीं चुकेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर काम करके दें।